अखिलेश यादव ने करहल सीट से दिया इस्तीफा, छोड़ा नेता प्रतिपक्ष पद, कन्नौज के सांसद बने रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी, सुपर फास्ट न्यूज देख रहे हैं आप। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट पर जीत के बाद अब करहल विधानसभा से सदस्यता पद से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा कार्यालय में इस्तीफा की कॉपी रिसीव करवा दी गई है। अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष का पद भी छोड़ दिया, वो कन्नौज से सांसद बने रहेंगे। वहीं फैजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीत गए अवधेश यादव ने भी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में इन दोनों सीटों पर उपचुनाव होना तय हो गया है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष भी अब चुना जाएगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में कन्नौज संसदीय सीट से सांसद चुने गए हैं, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में वो मैनपुरी जिले के करहल विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। वो वर्तमान में यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में भी थे। चूंकि वो सीट पर ही रह सकते हैं, ऐसे में आज उन्होंने करहल सीट से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ नेता प्रतिपक्ष पद भी छोड़ दिया है। अब करहल विधानसभा पर उपचुनाव कराया जाएगा। इस बीच उम्मीदवार के नाम को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि इसके लिए मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद अब यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नाम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष की ओर से समाजवादी पार्टी में इंद्रजीत सरोज, राम अचल राजभर, कमाल अख्तर और शिवसेना से शिवपाल सिंह यादव का नाम प्रमुख रूप से सुर्खियों में बना हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी पार्टी किसी ऐसे व्यक्ति को देगी जो पार्टी को मजबूती के साथ साथ विपक्ष की आवाज को सदन में बुलंद कर सके। खैर, आपको इस पर क्या राय है, कौन हो सकता है उनके जगह पे, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।